हमेशा पंजे को मारे और पंजे को मार के उंगलियों के अंदर की ओर पुश करते हुए, अंदर की ओर पुश करते हुए बॉडी को आगे धकेलना है। टेकअप पंजे को पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ से जोर से मारते समय जोर से चिल्लाएंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हाथ को ऊपर ले जाने के बाद तुरंत इसको फोल्ड करेंगे, इसी हवा में इसको फोल्ड करेंगे, आपकी लेंथ बढ़ेगी। ज़्यादातर गलती लोग क्या करते हैं कि वहाँ से आए स्पीड से और सीधे लेंथ देने का प्रयास करते हैं। आप टेकअप लेकर के ऊंचाई दें, यहाँ से जितना हो सके आप ऊंचाई देंगे, लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लॉन्ग जंप में मेन होता है रनवे सेट करना। रनवे सेट करने के लिए आप बीच सेंटर पे पैर रखते हैं, अपना लेफ्ट और स्ट्रॉन्ग पैर आगे रखते हुए नापे, 1, 2, 3, 4 कोई 20, 22, 24, 26, 28, 30 जितना हो सके। मगर जैसे 16 हो गया, 17 में नहीं, 18, 20, 22, 24, 26 मान लीजिए हो गया, ये 18 यहाँ हो गया। यहाँ पर आप स्ट्रांग पैर को आगे रखेंगे, जो आपका स्ट्रांग पैर है, जो वहाँ पर टेकअप लेना है, स्ट्रांग पैर उसका वो माना जाता है। जैसे राइट से लिख रहे हैं तो राइट स्ट्रांग पैर, लेफ्ट से लिख रहे हैं तो लेफ्ट स्ट्रांग पैर माना जाता है। यहाँ से आप जितना रनवे को फास्ट ले सकते हैं, रनवे को फास्ट लेना है, ठीक। यहाँ से मान लीजिए आप आ रहे हैं, आपका पैर पड़ गया यहाँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ से पीछे करना है, वहाँ से पीछे करना है। अगली बार जो दौड़ेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक। फिर से ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप दौड़ते दौड़ते आपका पैर यहाँ पड़ गया, मगर मेजरमेंट आपका यहाँ से होगा, इसलिए इतना समय, इतनी जगह को बचाने के लिए आप उसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। ये रनवे सेट करना यहाँ से है और आपको इसको देख के जंप नहीं करना, नहीं तो चेक हो जाएगा, यहाँ स्पीड आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको जो रनवे लेना है, रनवे लेना है बिना देखे, एक कण की निगाह से इसको ज़रूर देखना है कि हमारा फाउल ना होए, और ज़ोर से अफर्ट लगाना है और हाथ दोनों ऊपर करना है और चिल्लाना है और करना है। पहला जंप लेफ्ट, ये रनवे सेट करने का तरीका होता है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहें, जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहें उस स्पीड से आप ले सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भीड़ में होने के कारण जो जहाँ से मौका पा रहा है वहीं से जंप कर रहा है, ये गलत है। आप अपना एक निश्चित जगह बनाए कि हमको यहाँ से रनवे सेट करना, आगे पीछे करते रहें, आप आगे पीछे वहाँ से कर लें, ठीक। मेन तीन चीज की जरूरत है, एक स्पीड, दूसरा टेकअप में पूरा पैर न पड़े, पंजा पड़े, हाथ को ऊपर उठाएं, जोर से चिल्लाएं और ऊपर उठाने के बाद नीचे इसको फोल्ड करना है। अगर आप जंप करते हैं, ये जंप किए, जंप करने के बाद अगर आप बैठ जाते हैं या फिर आपका हाथ टच हो जाता है, तो शरीर का सबसे बैक पोर्शन, मान लीजिए आपका हाथ यहाँ पड़ा, आपका मेजरमेंट यहाँ से होगा, या आपकी हिप्स पड़ गई है, आप बैठ गए हैं, तो आपका मेजरमेंट यहाँ से होगा। इसलिए जंप करने के बाद हल्का सन्नी को आगे की ओर फोल्ड करना चाहिए, आगे की ओर आना चाहिए। तीसरा, जंप जो करते हैं, जंप करने के बाद जितनी हाइट दे सकते हैं आपको ऊंचाई देना यहाँ से, ठीक। चलिए बॉयज इस पर आ जाएं, गर्ल्स शॉर्ट फुट पे जाएं। दो लाइन बना लें, पहले इधर देखना है, गर्ल्स रुके, एक मिनट और एक डेमो देख ले, फाजी का डेमो देना, फिर आना, एक डेमो देख ले सभी, चले अजय इधर देखें, इसका दो तीन चीज देखेंगे, वाओ,
ठीक सिंपल सिंपल बिना साइकिलिंग के।